हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम इलेक्ट्रोकूल हियर। तो इस वाले गेम प्ले में भाई हमारी फाइट हो जाती है फैरो से, वो भी अकेले। मेरे टीममेट्स रहता है, एक मेरे टीममेट्स तो भाई ऊपर नहीं जा पाता, दूसरा जाते बट उनकी पेटी जल्दी ही बन जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है गाइस, मैं सोलो इस फैरो को हरा सकता हूँ कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि मैं इस फैरो को मार सकता हूँ भाई लोग। बस देखो आप लोग क्या ही होता है। यहाँ से मेरी प्लेन चल रही है और गाइस बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई फैरो तक पहुँचना, फैरो तक भाई बहुत से बंदे नहीं पहुँच पाते। क्या ही फाइट हो जाती है, बीच में बंदे जाते नहीं है और ना जाने देते हैं गाइस, वहीं पे मैच ख़त्म कर देते हैं। मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ गाइस, अगर आप फैरो से लड़ना चाहते हो तो भाई दूर वाली प्लेन पाथ पे जाओ जहाँ से वो फैरो स्टार्ट होता है, वहाँ से आप इजीली चढ़ सकते हो और इजीली अकेले फैरो से फाइट ले सकते हो, अगर आपको उसे सोलो फाइट लेनी है तो। फिलहाल के लिए गाइस हमारे यहाँ पर लैंडिंग हो चुकी है, देख लीजिए गाइस हम यहाँ पर एकदम लास्ट में एंट्री करते हैं। और गाइस यहाँ भी बंदे उतर ही जाते हैं, यहाँ पर मुझे UMP मिल चुकी है, तो देखते हैं बंदों को, आगे चलते हैं। ये गाइस बंदा रहता है, ये शायद से प्रिज्मॉक से आया होता है, इसको नॉक करते हैं। सामने एक बंदा दिखता है, इसको भी नॉक करते हैं। यहाँ गाइस मैं फटाफट से एक स्क्वाड से फाइट होती तो मैं उसको दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट चलेंगे फैरो से फाइट लेने। यहाँ एक बंदा दिखता है, इसको नॉक करते है, पूरा फिनिश भी डाल देंगे। गाइस यहाँ पे बंदे हर जगह कैम करके रहते हैं गाइस। एक बंदा दूर दिखता है, इसको भी नॉक करेंगे और पूरा फिनिश भी डाल देंगे इसको, इसको फिनिश करते हैं। तभी एक दूर एक बॉट दिखता है, इसको भी फिनिश करते हैं गाइस। यहाँ पे गाइस क्योंकि पोर्टल था तो बंदे यहाँ पे अगल बगल कैम करते हैं, ये बंदे आते हैं, एक को नॉक करता हूँ, एक को डैमेज देता हूँ गाइस, अगेन फायर दूंगा बट कवर में जा चुका था। तो गाइस बता रहा हूँ कि यहाँ पे पोर्टल था तो गाइस यहाँ पे बंदे भाई सांप बने होते हैं, आप जैसे पोर्टल पे चढ़ने जाओगे पूरा फिनिश कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे आओ जब भी तो देख लो गाइस, यहाँ जैसे एक एक स्क्वाड आ जाती है दूसरी आती है, एक को तो गाड़ी से उतार देता हूँ, फिर यहाँ से दोनों को भाई फिनिश कर देंगे। और गाइस अब आ जा रहे हैं हम लोग फैरो से फाइट लेने डायरेक्ट। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ गाइस, मेरा एक टीममेट भाई जो नंबर 3 थे वो बहुत ही पीछे थे। यहाँ पे नंबर 2 तो गाइस शायद से रूम में थे तो वो यहाँ पे शायद से ऊपर आ जाए। बोम गाइस ये ऊपर आ जाते हैं, शायद से इस रूम में जो रहता है गाइस तो वो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और इस रूम से बाहर जो रहेगा वो बाहर ही रह जाएगा। यहाँ पे नंबर 3 बाहर थे और उन पे भाई बंदे आ चुके थे। फैरो की एंट्री होती है यहाँ पे, और एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जब फैरो अपने मकबरे से निकलता है गाइस तो उसको फायरिंग करते रहो। देख लो गाइस अभी उसको डैमेज पड़ चुका है यहाँ पे, तो आप फायरिंग करते रहो लगातार। और आप लोग तो जानते हो उसके येलो वाले मार्क पे आप अगर जब फायरिंग करते हो तो उसको ज़्यादा डैमेज पड़ती है। और हाँ गाइस अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लो गाइस, इस पर मैंने 2 बार फैरो को हराया है, वो भी भाई क्रिटिकल सिचुएशन थी। यहाँ पे गाइस ये मुक्का मारता है, यहाँ पे गाइस अच्छी बात है, आप जब वो मुक्का मारता है इसके आप मुक्के से चढ़ के ऊपर जाके इजली गाइस उसको ज़्यादा डैमेज दे सकते हो। तो भाई अब ये गुस्से में हो चुका है, यहाँ पर मैंने क्या ही कॉम्बिनेशन लिया था, M249 और बैरल का, भाई दोनों ही खतरनाक गन है। फायरो का डैमेज तो पड़ता ही है गाइस, जिसको और इसके प्यांदे भाई प्यांदे भी डैमेज देते हैं। तो गाइस इसको पहले प्यांदों को देखो, प्यांदों को मार लो आप। और गाइस एक बात और, आप जब फायरो से फाइट ले रहे हो अगर जोन आ जाए तो भाई जोन का फटका पड़ता है, इसके प्यांदों का फटका पड़ता है और भाई फायरो को तो अलग से फटका पड़ता ही है। यहाँ पे मेरी एमो खत्म हो गई तो मैं यहाँ पर फटाफट से एमो लेता हूँ, गन ही रिलोड करता हूँ, फायरिंग करता हूँ। भाई फैरो फुल अप गुस्से में आ गया है। और गाइस जब मुक्का मारता है नीचे तो एक वेव निकलती है नीचे से गाइस, आप उस पर जंप कर जाओ तो आपको डैमेज नहीं पड़ता है। फैरो फुल गुस्सा हो चुका है, यहाँ मैं कवर में आता हूँ जो इसकी ये भाई ये दूसरी वाली वेव है, क्या ही खतरनाक डैमेज देती है। यहाँ मैं कवर में रह के फायरिंग करता हूँ, और भाई यहाँ पर नंबर 2 भाई मेरे यहाँ पर नॉक हो जाते हैं गाइस, मेरी M249 रिलोडिंग पे है और यहाँ पे एक मुक्का पड़ जाए गाइस, क्या ही देखो, फिर से मेरी भाई हिल गई। अगेन मैं इसे फायरिंग करता हूँ, डैमेज दूंगा गाइस यहाँ पे, मैं यहाँ पे डैमेज दिए जा रहा था बट मेरी यहाँ पे M249 रिलोडिंग भी थी गाइस। फिर से अगेन भाई इसका वेव आता है, अगेन मैं कवर में रहता हूँ गाइस तो डैमेज नहीं पड़ता उतना, फिर से फायरिंग देता हूँ उस पर
और इसके प्यांदे भाई, प्यांदे तो अलग भाई दिमाग खराब कर रहे थे। ओ गाइस यहाँ पे मेरी एचपी बिल्कुल लो हो चुकी है, क्या लगता है भाई मैं इसको मार पाऊंगा या नहीं? अरे भाई दूसरी वाली। ओ गाइस अब लास्ट के मोमेंट बचे हैं, एक बुलेट और चाहिए उसको। और जी जी गाइज यहाँ पे फाइनली हम फैरो को मार चुके हैं। गाइज बहुत ही मुश्किल है भाई यहाँ पे सोलो लड़ना फैरो से, बट हम यहाँ पे एशियन सीक्रेट गार्जियन भाई फैरो की पेटी बना देते हैं। और ये क्या ग्लिच है गाइज, यहाँ पे फैरो भाई ख़त्म हो चुका है बट यहाँ पे इनके प्यादे अभी भी जिंदे हैं, ये कैसे हो सकता है? कोई नहीं गाइज इनको भी फिनिश करते हैं, एक गया दूसरा बाकी है, या फिर दूसरे को भी ईजिली निपटा देंगे, क्या ही बचे हैं ये अब। यहाँ पे दूसरा भी निपट जाता है, मुझे नहीं लगा था गाइस कि मैं यहाँ पे सोलो उस फैरो को निपटा पाऊँगा। आप लोगों को क्या लगता था गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में गाइस फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।